file system check information is either 1 or 0 to reset file system. Check whether to be done at a boot time. ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एफ सी के कभी आ सकते हैं. ओके, ये पढ़ने का पॉइंट को याद रखना है आपको. किसी ग्रब पर कॉन्फिगरेशन, ग्रब स्टैंड फॉर मैन यूनिफाइड बूट लोडर. इट इज डिफॉल्ट, इट इज डिफॉल्ट बूट लोडर यूज्ड बाय. ये किया था ना, ग्रब ब्रांड न्यू इज द डिफॉल्ट बूट लोडर. किसका डिफॉल्ट है वो, ये पॉइंट में आधा मार्क मिल जाएगा. ग्रैंड स्टैंड फॉर ग्रैंड यूनिफॉर्म बूट लोडर. दूसरा क्या है कि डिफॉल्ट बूट लोडर फॉर किसके लिए हो, फेडोरा कोर एंड रेड हैट रेंडर. वेरी इजी टू रिमेंबर, ये दो चीज तो याद हो जाना चाहिए. ग्रब ऑफर एंड इंटरएक्टिव इंटरफेस थereby ऑफरिंग चॉइस टू द यूजर फॉर द कर्नल टू व्हिच ऑपरेटिंग सिस्टम यू विल. क्या का फिगर करता है, क्या का फिगर देता है अपने को, जब शुरू में आता है तो स्क्रीन आता है ना. हाँ, ग्राफिकल यूजर में स्क्रीन आता है कि बीच कौन सा करने सिलेक्ट करना है. वो ग्राफिकल चॉइस देता है. क्या देता है, ग्राफिकल चॉइस. इसमें पीछे बैकग्राउंड में पिक्चर होता है और कर्नल के नाम होते हैं. यू कैन सेलेक्ट ग्राफिकली विद माउस अप एंड डाउन क्या करना है. Okay, what is clone file?
Kornfall is a demon responsible for executing executing commands as per present preset schedules. Main HR month etc. That is denoted defined by users in the system configuration file. अच्छा विंडोज में कैसे किधर है शेड्यूलर कास्ट कैसा होगा? आप जब रन कमांड में या स्टार्ट में शेड्यूलर डालोगे तो आप शेड्यूल कर सकते हो कि इतने बजे ये फाइल एग्जीक्यूट होना चाहिए या बैकअप स्टार्ट होना चाहिए या मशीन शटडाउन होना चाहिए. ये शेड्यूलर से जो काम कर सकते हो वो काम आप यहाँ पे कॉल से कर सकते हो. रॉड क्या आपको रोज करना है, हफ्ते में एक बार करना है, महीने में एक बार करना है, दैट कैन बी डिसाइडेड इन द फाइल. और ये क्रॉन टैप फाइल में सब है. अगर आप BTC में क्रॉन टैप फाइल देखोगे स्वीप करके कैट करके वो दिखेगा. मैं दिखाऊंगा ये फाइल याद रखना. इट वेक्स अप एवरी minutes to inspect all con files to determine what commands are required to be executed at the particular minutes. All the con files can be used by both system administrator and users to decide what programs to run and when and how oftenly to run. Local users' crontab files are stored in where spool con and are named after the user's name. Con file are never edited manually in the where spool con directory. मतलब ये कि जो स्टोर फाइल है उसको आप वहाँ पे नहीं चेंज कर सकते. आपको चेंज करने का था etc डायरेक्टरी में जाना पड़ता है. किधर जाना पड़ता है? etc डायरेक्टरी. System con files are stored in the following subdirectories of the etc directory: con.d, con.daily, con.hourly, con.monthly, con.weekly. मतलब अभी डेली भी कर सकते सर और हर घंटे में भी कर सकते हैं और हर घंटे में चाहिए मुझे और हर महीने में भी कर सकते हैं और हर हफ्ते में भी कर सकते हैं. Contab in the etc directory is the master file to run all the scripts in the con.daily directory on a daily basis, con.hourly directory on the hourly basis, con.monthly on a monthly basis and con.weekly on the weekly basis. Con.d is where system maintenance file that needs to be run on different schedule than the other etc con file are kept. ऐसे नहीं, अगर मेरे को समझो वेनेसडे और फ्राइडे को निकालने का है तो मैं कहाँ से करूँगा? फिर यहाँ से जाना पड़ेगा. कहाँ जाना पड़ेगा? con.d से करना पड़ेगा. con.d से, क्योंकि हफ्ते हफ्ते अगर वेनेसडे करना है तो वीकली में दे सकता हूँ. मगर अगर हफ्ते में दो दिन करना है जो सैटरडे संडे में नहीं आता है वो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? con.d में से करना पड़ेगा. It is a system log.config. The system log daemon logs several events on the Red Hat machines. These logs are stored in a file on the local machine or sent to a remote server for security. The daemon is also capable to accept logs from remote machine. In the configuration file etc system log.config, the messages of critical severity should be logged in war log message file. Different type of log programs are kept in different log files which help them to be searched easily. Any mail news, private authorizations and con messages should be logged respectively into their log files. War log secure contains authentications privilege message of sensitive information. This file is accessible and can be read only by root, whereas war log message can be set as readable by everyone. Although by default even it is readable only to root. All mail messages are logged to war log mail log and con messages at war log con. All of these log files are set by default to be readable only by root.
Emergency messages are sent to all the log files listed in the system.config file, including to the console. Following is the file system.log. As log file, क्या करता है ये? What is the meaning of log file? Mail का log file कहाँ पे है? Mail log log. यानी mail से जाते जो incoming mail में कुछ error आया या mail नहीं हुआ तो कहाँ पे save होता है वो log? Where log? Mail log. Logging का जो भी है वो कहाँ पे होते हैं जो boot नहीं कर पाया, कुछ track करने की कोशिश कर रहा है या घड़ी-घड़ी password गलत दे रहा है तो कहाँ होगा वो? Where log boot में, FTP यानी कोई FTP server पे login करने की कोशिश कर रहा है, उसका log कहाँ पे save हो रहा है? Where log FTP पे, और उसको HTTP server पे यानी web server पे कोई कुछ करना कोशिश कर रहा है तो HTTP पे, समझ में आई? Yes sir. तो ये अगर चार याद करेंगे तो mask code कर सकते हैं आप. बोल सर, एक दो तीन चार. Following first file log system ना. अभी EDC ये log rotate programs helps to rotate log files, whereas log rotate.config and the files within the log rotate.d directory determine how often their program should rotate. Rotating log detect, delete older log files and replacing with them with the recent ones. Log rotate helps to previously. Periodically rotates, compress, remove your log files, thereby cleaning and maintaining memory. Log files are rotated on timely basis, that is daily, weekly or monthly. Certain programs like STTPD Apache uses individual log rotation configuration file in log rotate.d and uses system logd for logging activities. In the above cases, there should be entry of such files in etc system log.config. What is your rotate? Rotate का मतलब क्या होता है? What is your rotate? का मतलब ये file करता क्या है? What did older log file replace with them with the recent files? का मतलब होता है कि अगर समझो 1000 file हो गए तो अपने आप वो नई आती जाएगी और पुराने जाती जाएगी, उसका काम है ये. ओके, समझना है तो ये याद रखो. रोटेटिंग लॉग लॉग्स क्या करता है? डिलीट ओल्ड लॉग फाइल्स एंड रिप्लेसिंग विद देम विद द रीसेंट वंस. ओके, तो ये क्या है? फर्स्ट इन लास्ट आउट में काम करता है. फर्स्ट इन लास्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट. ओके, जो फर्स्ट जाता है वो आखिरी में जो आउट निकलता है. रोटेटिंग लॉग, रोटेटिंग लॉग्स लॉग की बैकअप भी क्या जरूरत है? लॉग तो हमेशा क्रिएट होते रहता है. अगर आप बैकअप निकालते तो अच्छे बात है, आप बैकअप का ऑप्शन भी कर सकते हो. इसका लॉग का बैकअप भी रहता है और उसका बढ़ता है, जो बढ़ता है उसका क्या केबी में होता है? केबी बाइट में होता है, लिखा हुआ होता है केबी, किलो बिट में होता है, टेक्स्ट होता है, पिक्चर तो होता नहीं है. एक में अगर आपका 1000 और 10000 बिट टेक्स्ट आया तो 1 MB भी नहीं होगा, तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. काम देता है बहुत जरूरी. अगर यही काम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का रहता है लॉग चेक करने का, ऐसा बैठ गया सब अच्छा चल रहा है तो नहीं, एक या दो बार बैठ के चेक करना पड़ता है कि लॉग में कोई अपना दिमाग लगा रहा है कि नहीं, कोई कोशिश कर रहा है कि नहीं, या कोई सर्वर कोई एरर दिया कि नहीं, वो एक बार देख के आ जाता है. ये काम रहता है, मेन काम रहता है सब कामों से जो वो सारे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं करते और फिर पछताते हैं जब बंद हो जाता है. अब एक दिन बहुत दिन से ट्राई कर रहा है, अगर मुझे पहले से मालूम पड़ेगा तो मैं वो सीक्रेट बन जाऊंगा, अगर मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा तो एक दिन तो क्रैक कर ही जाएगा उसको, उसके बाद फायदा क्या होगा? In the above cases, there should be entry of such files in etc system log.config to show that these programs in their separate files can be rotated independently. The log rotate.config file is as follow: a rotate log file weekly. Rotate keep 4 weeks
worth of backlog. मतलब क्या हुआ, लॉग फाइल्स वीकली यानी का मतलब है कि एक हफ्ते को वो लॉग्स रखना है, फिर 8वें 9वें दिन वो पुराना जाएगा और नया आना शुरू होगा। इसके बाद वर्ड ऑफ बैकलॉग वीक यानी 4 वीक का रखने का, 5वें वीक को फिर वो पुराना निकलना शुरू होगा, नया आना शुरू होगा। जैसे सेट करेंगे वैसा वो निकलेगा। क्रिएट न्यू एम्प्टी लॉग फाइल्स आफ्टर रोटेटिंग ओल्ड वंस। क्रिएट यानी पुराना डिलीट करके फिर एक नया बनाएगा। चलो आप बोलो, तो आगे PTCID.so.config. This file has list of directories that contain shared libraries. This file is used by dynamic linker runtime binding. If any library is not listed in id.so.config, then one may edit it to contain in such cases, one may get error that library does not exist. The above error could be troubleshooted by executing idd command as follows. Idd bin bash, following is the content of the command. Make changes to PTC system network script if config ETH 0 क्या होता है, ETH 0 का क्या है वो इंटरनेट जो आपका जैन कार्ड है उसका फाइल है, उसमें उसको IP address देने का, तो आपको यहाँ पे देने का है कहाँ है वो ETC syslog network script में IFCAG ETH 0 ये क्या है, फाइल है कि फोटो है? नहीं ये फाइल है ना, ये सर ये करती मत करना, पूरा फाइल का नाम क्या है, IFCAG-ETH-0 पूरा एक फाइल का नाम है। अब मुझे अगर फाइल को देखना है कंटेंट तो मैं क्या करूँगा, क्या करूंगा कंटेंट को, अगर मुझे डायरेक्ट लिखना है तो मैं क्या करूंगा, क्या है CAT और डायरेक्ट लिखूंगा सेज ETC सिस्टम ऑफ नेटवर्क स्क्रिप्ट IFCAG कैट देके ये सामने दूंगा और अगर कंटेंट दिखेगा, अगर इसको एडिट करना है तो कैसा कमांड दूंगा, हां वी और ये पूरा पार्ट वी में जी एडिट, वी एडिट करके ये पूरा पार्ट दोगे तो वो फाइल ओपन हो जाएगा, एडिट करने के लिए आ जाएगा। हां वी वी कॉमन यूज होता है, वी में देने की कोशिश करना, एग्जाम में वी करके लिखना, वी में चलता जाता है। Configure the host name of your machine. To do so, make changes to etc system config network. Host name any? Sir, उसका नाम रहता है ना, by default change कर दे। Host name any क्या होता है? System का नाम। वो जैसे वो आपकी ये host name है, laptop ये host है, क्या है? Host. Server क्या है? Host है. PC क्या host है? किसी भी host में जो किस नाम से पहचान जाएगा? हाँ, तो वो जो PC किस नाम से पहचान जाएगा, वो देने के लिए यहाँ पे change करना है। Configure the DNS server to reference. Make changes to etc resolve.conf. DNS server का reference यानी क्या है कि मेरा DNS server कहाँ है? What is DNS server? Domain name server. Domain name server क्या करता है? मेरे लिए mapping करता है my IP address to domain name को mapping करने के लिए जहाँ पे रुका हुआ है। अब domain name के लिए मुझे कहाँ जाना है? कौन से डोमेन में क्लिक करना है जहाँ मेरा मैपिंग होगा, तो मुझे वहाँ देना पड़ेगा, कहाँ पे देना पड़ेगा? etc में resolve.config। Configure local file of host name to IP address mapping. To do so, make changes to etc host. Configure the order of host names to be searched. To do so, make changes to etc and nswitch.conf. कुछ स्विचिंग के लिए या सर्चिंग के लिए देना है तो कहाँ देना है? etc nswitch.conf। अब ये IP address किसका देना है? Explain how to set up the IP address. To set the IP address on the Ethernet interface ETH0, edit the etc system config network script IFCFG ETH0 file. Same जैसा बताया था, कैसा करोगे? Command देके, विम देके,
एडिट के एडिट की जगह पे क्या देना है व्यू देना है और बाद में ईटीसी और वो सब देना है तो क्या कूड़ेगा ये फाइल कूड़ेगा आप ये फाइल कूड़ने के बाद आपको देखो दिया है ना कैसे कमांड भी दिया हुआ है हां सर व्यू ईटीसी ये कमांड याद करो ये इसी आपको देना है वहां पे जैसा लिखा वैसे ही लिखना है पहला ब्रॉडकास्ट है क्या ये ब्रॉडकास्ट जब हम खुद देते तो स्टैटिक होता है इट बी नॉट चेंज डायनेमिक यानी चेंजिंग होता है स्टैटिक यानी कांस्टेंट होता है Insert IP address on the line that says in the WAV file. IP address. यानी IP address में जो IP address अपने को PC का देना है वो हम दे देंगे. Suppose IP is 192.168.144.60. The line in the file now looks as follows. IP address. Whenever the WAV configuration file. क्या फर्क है उसमें अपने को inverted comma में देना है किसमें ना? Inverted comma. वो important है. Whenever the above configuration file is changed, the following service is needed to be restarted. Service network restart करना जरूरी है वरना वो उसका change effect में नहीं आएगा या तो change effect में देना है तो वो करना पड़ता है. Verify IP of Red Linux system with the help of ifconfig command. बाद में command देके check करने का ifconfig अपन IP config देते हैं ना Windows में ये change करने के बाद ifconfig के देखने का apply हुआ कि नहीं हुआ. अगर आपको ग्राफिकल करने का तो मैंने बताया था ये चीज ग्राफिक से भी होती है ग्राफिकल कैसा करने का सेटअप कमांड था क्या था सेटअप करके दिखाया था याद है सेटअप में जाके नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में जाके आपको आईपी एड्रेस नेटवर्क मास्क सब दे सकते थे याद है हां सर वो डेटा टाइप करने लिनक्स सुपर एंड करने का एक विंडो छोटा सी खुलता था उसमें बढ़ते आईपी 4 पे डबल क्लिक करेगा दिखा जाओ Explain how to set up the host name. Explain how to set up the host name. ETC system config network is a configuration file to set the host name of Linux machine. Following host is the name file. Most important is डॉकर हस्ट डॉट डॉकर डोमेन का मतलब क्या हुआ अभी इसने परपचर डॉट कॉम करके वेबसाइट बनाया और उसका डोमेन खरीदा मैंने गो डैडी से खरीदा क्या नाम से खरीदा गो डैडी डॉट कॉम करके खरीदा अभी ये इसका एक डोमेन सर्वर बनाया और मुझे उसी सर्वर पे किसी का नाम क्या होगा सर्वर समझो तो क्या होगा सर्वर डॉट परपचर डॉट कॉम समझे ऐसा आएगा सपोज द होस्ट नेम टू बी सेट इज PYID द लाइन नाउ लुक्स एज फॉलोस PYID. For the changes to be brought into effect, reboot the Red Hat Linux system and verify the host name with the help of hostname command. Explain how to set up the DNS name resolution. DNS important to set up. DNS क्या करता है domain name service. What is mapping the host name to IP. कौन से फाइल में होता है मैंने बताया था ये या भी होगा Explain how to set up the DNS name resolution. Different host name are mapped to IP address with the help of DNS server. To resolve host name to IP, Program reads the configuration file etc.resolve.conf. Hence, DNS server IP address is made to exit there. Red Hat allows to include 3 DNS server in this file, although one is enough. 3 के अलाव करता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है 3 DNS सर्वर के एक ही काम होता है DNS सर्वर एक ही होता है मतलब बाय चांस अगर बैकअप बना के रखते बड़ी बड़ी कंपनी क्योंकि एक अगर डाउन हो गया तो दूसरा चलेगा दूसरा तीसरा तो 3 का अलाव करता है अगर एक काफी हो जाता है इफ वन डीएनएस सर्वर डज नॉट रिस्पोंड कंप्यूटर ट्राइज टू रिजॉल्व फॉर आईपी नेक्स्ट वन इन द लिस्ट एंड इट कंटिन्यूज रिजॉल्विंग अंटिल इट फाइंड्स द वन दैट इज रिस्पोंडिंग
etc.resolve.com is edited to contain a list of DNS name server as follows. Do vim etc.resolve.config name server name server. ये दो तीन सर्वर का नाम लिख सकते एक एक से रिजॉल्व नहीं किया तो दूसरा करेगा रिजॉल्व नहीं किया तीसरा करेगा ओके ऐसा आईपी एड्रेस इन द अबव शोन फाइल आर एग्जांपल ऑफ द नेम सर्वर आईपी बोलो आप अभी आपको ओके सर हां बोलो एक्सप्लेन 4.8 एक्शन मेकिंग ऑफ लोकल फाइल्स और होस्ट नेम्स टू आईपी एड्रेस मैपिंग Linux machine 2 is itself capable to store a list of hostname along with their corresponding IP address in the local files on system etc host. With the help of this file, the user need to look into DNS every time to resolve hostnames to IP. Hence, rather than typing the command ssh.dyit.university.com every time to ssh is that machine. One can just type ssh.dyit and get connected. Hence, Linux machine is used and users can relay on etc host to get the appropriate IP addresses rather than generating calls to DNS. मैंने समझ में क्या है कि ssh अगर थोड़ा भी अगर ये करेंगे एक बार सर्च करेंगे उसके बाद अगर अपन टाइप आगे भी करेंगे तो पूरा तो अपने आप पूरा The files after addition of entries look as follows. Root @tyit tilde /vim etc host IP address syit.university.com syit sy IP address fyit.university.com fyit fy vsid.university.com vsc bit vyit मैंने इसका मतलब क्या यहाँ पे देने पे होगा यानी मैंने syit.university.com दिया और उसके सामने जो लिखा तब वो काम करेगा कि मुझे बाद में syit.sy देने की जरूरत पड़ेगी पूरा university.com टाइप करने की जरूरत नहीं है अगर मैं चाहिए तो s भी लिख सकता हूँ तो s से भी काम हो जाएगा यानी दूसरी बार मैंने s टाइप करूँगा तो कनेक्ट हो जाएगा तो जो आपके सामने लिखो वो आप बड़े नाम को छोटे नाम से अरेंज कर सकते हो In the above file, the first entry is IP address, second one is hostname, and the remaining are their respective aliases. Hence, after editing the file, one may now execute the command at pointer. Root @it/dyit. SSH/FYIT. ऐसे यानी secure shell में मैं वो direct वो server को tenant की तरह इस पे secure shell पे open कर सकता हूँ. जहाँ पे secure shell पे open करने का फायदा क्या है कि और encrypted or transactions will be encrypted abhi sir 4.8 ho gaya 4.9 explain setting up name server resolution order I ns switch Linux machine has to be informed for the order in which it has to look host names after setting up dns server and host files This configuration slash setup happened in etc ns switch dot configuration file. After opening the file, a line is found as follows: root @dyit tilde /vim etc ns switch dot configuration host files and nis plus dns. The order of the words in the above line of the files I files nis plus And the DNS determines which method is followed first. File refer to the etc host file NIS plus refer to any NIS plus server if any in the LAN. And DNS refers to any DNS server configuration in the network. to set up orders of resolutions of resolving hostname, the same line is edited. For example, one want to look for hostnames IP resolution resolving into files first DNS then and NIS last the line after modifications look as follows host files DNS NIS plus अब ये देखो name resolution के बाद एक मिनट कौन सा important है ये IP tables क्या करता है वो static root what is static root okay
4.10 देखो करो 4.10 explanation of difference network configuration files in the etc system configuration directory static routes it helps to set up static routes on the Linux system the files has lines in a format as follows root @diva_it tilde hash will link as a system configuration static routes network interface net network netmask git netmask and even gateway dekhte hain ye dekh ke direct route bana dete hain so we are making a direct route ka matlab ye hota hai ki agar aapka apna company ka ek router kidhar wo jagah pe hai to ek route bana rahe ga kya banega route bana route to direct access fast hota hai warna wo apne router ka kidhar kidhar se jayega fir apne aap pahunchega ek direct route banega to directly route to router aise hi ek network kaise kaam karega shuru karega तो एक स्टैटिक रूट है क्या ये स्टैटिक रूट जहाँ पे आप पाथ दे सकते हो कि मेरा एक राउटर यहाँ पे है एक राउटर यहाँ पे एक राउटर यहाँ पे एक राउटर यहाँ पे रख लो मेरा पाथ पाथ के पास जो पाथ सेंटर्स है कंपनी के वो कनेक्ट हो जाएंगे तो स्टैटिक रूट तो इसके इससे क्या होगा कि मेरे यहाँ का यूजर वहाँ के यूजर को बैठ के आराम से डाटा शेयर कर सकता है और सब काम कर सकता है जैसा एक एक बिल्डिंग में कर सकता है आईपी टेबल IP tables is a standard Red Hat Linux firewall. हाँ ये important है IP table is a standard Red Hat firewall ये याद रखो. By default जो Windows में firewall नहीं है एकदम perfect जो इसमें है firewall. It implements IP chain rules as a part of its firewall, filtering but IP tables and IP chains cannot run at the same time. etc as per configuration. IP table is a file where we can store IP tables and IP chain rules. The configuration file with certain IP chain setup is shown as follows. Input TCP. D port 8TCP TCP accept का मतलब क्या होता है? कि अगर तो TCP पे कोई ने इनपुट करने की कोशिश किया तो उसके उसके क्या एक्सेप्ट करना है उसको एक्सेप्ट करना है इसके पैकेट को एक्सेप्ट करना है क्या उसको पैकेट जो डाटा आएगा पैकेट्स में एंट्री मारेगा उसको एक्सेप्ट करना बाद में दिया ड्रॉप किया क्या किया ड्रॉप यानी यूडीपी का यूजर डाटा नेम प्रोटोकॉल है वो ब्रॉडकास्ट है क्या ये अभी डिफरेंट मतलब टीसीपी क्या है कनेक्शन प्रोटोकॉल है क्या ये और यूडीपी कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है क्या डिफरेंस है दोनों में कि अगर मैंने कोई मैसेज किसको पास किया जैसे ईमेल या कुछ तो जब तक वो मैसेज वहाँ पे पहुंचेगा तो मुझे एक लिखता आएगा कि पहुंच जाता है यूडीपी ब्रॉडकास्ट जैसे अपना टीवी टेलीकास्ट या मैच होता है अब मैच अगर अपने को देखने का अपन को ओपन किए तो मैच वाला वहाँ से ब्रॉडकास्ट कर रहा है मगर अपने तक अगर अच्छा पहुंचा भी नहीं तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कोई एक दो सेकंड इधर होगा वापस ही रिस्टार्ट अपने को करना पड़ता है मगर वो वापस भेजेगा क्या नहीं भेजेगा तो वो ब्रॉडकास्ट होता है इट कैन नॉट इट इज कनेक्शन लेस यानी एक बार चला गया तो वापस कोई कनेक्शन का लेना देना नहीं है वो भेजता रहता है वैसे क्या करता है भेजता रहता है विदाउट कंफर्मिंग दैट जो भेजा है वो पहुंचा है कि नहीं पहुंचा ये इंपॉर्टेंट है तो ये आप उसको ड्रॉप करें क्या करें इसको ड्रॉप करें अगर कोई आपको वो भेजता है यूडीपी का कोई पैकेट देता है आप उसको ड्रॉप कर दो ओके बाद में वापस से टीसीपी आपको और एक आईपी एड्रेस पे दिया गया ये आईपी एड्रेस से टीसीपी आ रहा है तो उसको भी एक्सेप्ट कर लो तो आप क्या फर्स्ट टाइम इन द फाइल एक्सेप्ट टीसीपी ट्रैफिक टू एचटीटीपी पोर्ट क्या मतलब टीसीपी ट्रैफिक पोर्ट का जो ट्रैफिक है जो पैकेट का पोर्ट है आप वो ट्रैफिक को कहाँ एक्सेप्ट करो एचटीटीपी का पोर्ट यानी आपका वेब सर्वर पे आप एक्सेप्ट कर लो ओके आप सेकंड लाइन ड्रॉप्स ऑल इनकमिंग ट्रैफिक टू पोर्ट नंबर अभी आपके बाय डिफॉल्ट कितने पोर्ट होते हैं रजिस्टर्ड पोर्ट कितने 1 to 1024 पोर्ट है रजिस्टर्ड है सर तो 65000 पोर्ट है कितने 65000 उसमें जो बाकी पोर्ट एम्प्टी रहते हैं सर दरवाजे बाकी खाली है तभी वो अटैक करता है कौन करता है विंडोज में अटैक क्यों होता है क्योंकि इसके यूज कितने पोर्ट है इतने ही है 1 to 1024 पोर्ट यूज में है बाकी सब ओपन पड़े उसने खुला रखा हुआ आओ और हैकर्स को हैक करो इनेस करता क्या ऐसा नहीं इनेस उतने ही ओपन करता है जितनी जरूरत है इसके लिए उसको हैक नहीं कर पाते तो उसको वैसा क्यों नहीं बनाते विंडोज को अब विंडोज ने बनाया ऐसा ही है कि अगर खुद का भी धंधा हो एंटीवायरस का भी धंधा होना चाहिए फायरवॉल का भी धंधा होना चाहिए अगर इसने तो सबके धंधे बंद किया हुआ है अंदर ही फायरवॉल है तो सबके कहां से बिकेगा वो हां वो तो खुद भी खाता है सबको खिलाता है माइक्रोसॉफ्ट
ओके सबके धंधे चलते माइक्रोसॉफ्ट के, माइक्रोसॉफ्ट अगर चला गया तो सबके धंधे बंद हो जाएंगे एंटीवायरस के, और ये सबके धंधे समझे। फर्स्ट लाइन इन फाइल एक्सेप्ट टीसीपी, ये धंधा किया था उसने किसे, विंडोज 8 में, विंडोज 8 में, विंडोज 8 में रैम वाला आया, डिस्प्ले कार्ड वाला आया, सबने बोला ऐसा कुछ बनाओ कि हमारा बिक्री हो जाए, तो उसने क्या किया ऐसा बनाया, क्योंकि हम लोग को याद है 4 GB रैम डालने के बाद भी वो बोलो घूम रहा है स्टार्टिंग बफरिंग, फिर ग्राफिक कार्ड डालो वो भी हाई रहेगा तब वो बोलकर स्टार्ट होता है, यानी धंधा दोनों को दिया, रैम वाले को भी अच्छा धंधा 4 GB 512 में एसपी अच्छा चलता था, और 4 रैम में भी 4 में भी 8 अच्छा नहीं चला, यानी सबको खुश करने के लिए वो खुद ही डूब गया, वैसा डूबा कि लिनक्स ऊपर आ गया उस वक्त, विंडो 8 में जितना ऊपर आया था उसको जल्दी से 8 बार निकालना पड़ा और फिर 10 निकालना पड़ा, मगर सर 10 में अभी एंटीवायरस की जरूरत नहीं पड़ती है, वैसा खुद प्रेडिक्ट करता है, तो अभी अभी वो कर दिया सुधर गया ना, 8 के झटका लगा तो सुधर गया वो, हां 8 का झटका वो अभी 8 का कोई यूज कर रहा है, विंडोज 7 या विंडो 10, तो हमने क्या किया कि पहले जितने भी मशीन आते थे 8 को निकाल देते और 7 डाल देते थे, लेकिन 7 ही जाना था अभी तक, वो देखो आप देखने का तरीका है, अभी 10 में आप दोगे तो सब एप्स मिलते जो 7 में काम देते हैं, आपको जैसे ऐप चाहिए तो मोबाइल में वो आपको कहाँ मिलेंगे 7 में, अगर मैं ऐप मतलब मेरे को कोई भी काम चाहिए मुझे सॉफ्टवेयर देने की जरूरत नहीं है, विंडो टेक के स्टोर में जाके वो ऐप आ जाता है, OCR का भी ऐप है, हर चीज का ऐप है, उसमें सुन्नत सुन्नत का भी ऐप है, और कभी ऐप है, वो सारे ऐप है, हर एक चीज के ऐप मिल जाएंगे, हाँ उसमें अच्छे अच्छे ऐप है, वो आप देखना विंडो 10 में जो आपको सॉफ्टवेयर में जाने की जरूरत नहीं है, Windows 10 is मेरा तो original ना, इसमें रहेगा free में रहेगा बस, हाँ तो आप जाके app download करो Windows Store में, जैसा करो Microsoft का account मांग रहे हैं Windows Store है, Microsoft का account मांगते हैं Windows Store डाउनलोड करो, Windows Store नहीं website है, Windows Store free वाला भी है, हाँ Microsoft का account मांग रहे हैं, कितना डाउनलोड करना बना रहा ना, 2 मिनट में Hotmail का account कितना लगता है, चलो next आगे धन्यवाद the last time, the last for explanation of different network configuration for a Suraj padha sir, explanation padha kyunki pura Suraj padho chale ab bahut asar hai sab padh rahe bahut asar hai to bas abhi ye padhega aur aaj uske liye bol raha hai network wala internet interface hai nahi nahi padho pehle plane of the different network configuration file in the BTC system configuration network script क्या लिखते अरे सर तो खाना उसमें आईपी कॉन्फिग और आईएफ कॉन्फिग ना क्या लिखा सर पिन पीआईएन पिन वा स्पेस स्पेस 127 डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट वन डॉट वन स्पेस स्पेस माइनस टी एंटर पिन इज नॉट सेट एज अ इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड पिन का कमांड में जी ने टाइप किया तो कैसा आएगा तब आप बोले कहां पिन का कोई अंदर सुने ना हो पिन और लास्ट ये जी भी आ जाएगा जी एंड एंड की दबाओ एंटर करो हां एंड की दबाओ एंटर करो एंड की और एंटर आ आया नहीं देखो तो अपने आप आ रहा है हां तो ये दिखा रहा है कि आपका रैंक कार्ड बराबर चल रहा है यानी अगर ये पहला ट्रबल शूटिंग है पहला ट्रबल शूटिंग क्या होता है बोलो पहला अगर आपको नेटवर्क आपका बंद है तो पहला क्या चेक करते हैं अपने रैंक कार्ड चेक करते हैं क्या करते हैं रैंक कार्ड चेक करते हैं
ऐसी कौन सी ना सेट क्यों नहीं हो गया मोबाइल हो गया अच्छा मोबाइल का दीजिए मोबाइल टच कर दीजिए तो नहीं हो गया सेकंड कितना खुलता है सर ये आप एंड वो चलते रहेगा टी 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 की आइसक्रीम चलता है कंट्रोल सी से कैंसिल करो सर इफ आप एंड इट डाउन आपको राइट क्लिक करके एनेबल डिसेबल करते हैं नेटवर्क कार्ड ETH वैसे इसको एनेबल डिसेबल करने के लिए क्या करने का इफ अप ETH 0 यानी अप हो जाएगा एक्टिव हो जाएगा और इनएक्टिव करना है तो इफ डाउन डाउन ETH 0 नहीं कनेक्ट वो डिसेबल हो जाएगा अब ये क्वेश्चन आई ये वाला बहुत मतलब आया है मैं आरसी स्क्रिप्ट आया हुआ है हां सर बहुत आरसी स्क्रिप्ट बहुत 4.12 ये को याद करो ध्यान से पढ़ो सब पढ़ो अभी इसको पढ़ो बंद मैंने ये दिखाया था हर एक में जाके आईसीडी 1 में दिखाया था 2 में दिखाया था 3 में दिखाया था हां सर लेवल है ना लेवल में ये तो यस स्क्रिप्ट प्रॉब्लम इन द न्यूमेरिकल ऑर्डर मेंशन इन देयर फाइल नेम इट शुड बी क्लियर स्पेसिफाइड दैट इफ द स्टार्ट ऑफ स्क्रिप्ट इज द सेट ऑफ S20 द के स्क्रिप्ट शुड बी K80 सिंस द लास्ट स्टार्टेड सर्विस इज द फर्स्ट वन टू वीक किल्ड When the system starts up, it's another script in the directory of the number. It's starting up in. So when the system is ध्यान कॉन्सेंट्रेशन खराब हो गया कैसे चलेगा एग्जाम में भी दूसरे की दिक्कत हो रही हो etc/rc5.d directory by in rd-d are given symbolic links to etc/init.d ये लाइन याद रखना files in rc-d are giving symbolic list to etc initial.d script to link here. Then the ticket word service start to stop it. Now we will try order. इसको मैं देख के आता हूँ ये मैं इसको के आने पर भी मुझे याद करके चाहिए हाँ समझ में क्या पढ़ने को chconfig list so all the services they are stopped abhi chconfig dikhaya tha na aapko to sab dikha kya dikhega har ek run level mein kitne kaun si service on and off ye command dene se pata chalega kya kaun sa command chconfig chconfig list karke sab aa jayega whether they are stopped or on system config directory etc system config auto config provide so ye ठीक है ये सब स्किप कर आने वाला नहीं उसमें से देखो ये सब फाइल आपको देखना है और लास्ट में इसमें आके देखो कौन सा यूनिवर्सिटी में आया क्वेश्चन है इसमें यूनिवर्सिटी में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है एनिट आया हुआ है
So what to be need changes to setting up IP4 file? IP4 के लिए कहाँ पे network configuration file change कर देना? Zoom network X in etd. अच्छा IP4 number जाने के लिए IP address जाने के लिए कौन सा file change किए थे अपन? सेटअप में जाके ना सब change कर देना. अरे अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना IP config करके etc 0 कहाँ चेंज करते हैं वो etc 0 क्या है वो वही है ना IP 4 से ही है ना etc 0 क्या है वही है ना IP 4 से और क्या है वो तो वही फाइल को चेंज करने का IP config से etc 0 बिन के आगे etc में सिस्टम में वो फाइल है और व्हाट डिफरेंट फाइल्स रिक्वायर्ड टू बी सेट अप फॉर यूज्ड टू मूव द फाइल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर एक्सपेंडर कोड फाइल देखो दो बार आ चुका है क्या बताया था दो बार ये इसमें इंटर 14 और 17 में भी आया है इंटर 17 में भी आया है 14 इज अ क्लोन फाइल इंटर 17 में भी एक क्लोन फाइल आना चाहिए क्या बोल रहा हूं मैं सर क्लोन फाइल आना चाहिए यस कहां चेक कर सर क्लोन फाइल क्या करता है क्या कहता है सोए क्लोन फाइल क्या करता है मोहम्मद सर कंटेंट्स लाइब्रेरी अरे बता ना शेड्यूलर होता है ना कौन सा टास्क आपको आज रोज करना है डेली करना है वीकली करना है हां अभी बताना कौन सा है मंथली करना है हां डेली या बीच बीच में का कौन डॉट डी कर दे हां एक दिन पिक अप कर दे अभी कौन डॉट डी कौन डॉट डेली डॉट वीकली मंथली क्या करना चाहिए ना एग्जाम में कब याद आएगा कौन डॉट मंथली हां कौन को उधर मार्क करके रखो कोई वीकली मत भूलो कौन आने के फुल चांसेस है एक फुल चांसेस लिख दो इंपॉर्टेंट सब इंपॉर्टेंट भाई वही नहीं मेरे को याद है अकाउंट अभी कौन सा फॉरेन फाइल का दिया हुआ कर्नल कुछ जो नेटवर्क इनिटीएडी एसी रिनिक्स कुछ क्या है कहां है सर इसमें और कहां पे कौन सा बोल रहे हैं पेज नंबर कितना है लास्ट पेज इधर पे सर लास्ट पेज है मैं इधर का पटक रहा लास्ट पेज में ये सब एटलीस्ट ये सब तो याद करो सर इसमें हो गया यूनिट है हां वो जुड़ हो गया था लॉगेट देखो मैंने दिखाया था यूजेज ऑफ कॉलोनी में ये आया देखो कमांड ए पे दिए लॉगेट grub.com इशू एलआईसी सिस्टम grub.com ये क्या-क्या फाइल करता है ये ऑलरेडी डिटेल में एक दो मतलब पढ़ेंगे तो याद आएगा अपने सब पढ़े हां सब फाइल पढ़े ना अभी ये कुछ और करना नहीं पड़े क्या नहीं कुछ और करना नहीं एक मिनट देखो किधर है कुछ और कौन फाइल हाउ टू कॉन्फिगर टेक care of system task explain what is use of fs tab explain content of fs tab what does the network file change with setup of 10th one sir page number 50 pe hai kya 50 pe 10th wala likha na etc system config kar do acha 50 us pe 50 14 पे है पीडीएफ का मगर फेसबुक का 50 पे फेसबुक का मैं भी हूं सर 50 क्या किया सर कोई सर ये पढ़ा ना नेटवर्किंग और अब वो पढ़ा ना अभी ये देखो पहले सब क्वेश्चन आते क्या वो नहीं को नीचे गुड्डू का मिल गया ना अभी नीचे देखो कौन सा आता नहीं आता वो देख तो देख लिए यस सर यूनिवर्सिटी क्वेश्चन देखो हो जाएगा करा दो एफ टैब क्या करता है हां सर एफ टैब व्हाट्सएप फाइल इधर किधर है सर एफ टैब किधर है बता जल्दी स्टार्टिंग में हो एफ टैब अगर ढूंढना है तो मैं क्या करूं इसमें से कंट्रोल एफ करो कंट्रोल एफ दिस मैनेजमेंट के लिए कंट्रोल एफ एफ टैब क्या करने है सर एस एफ टी एफ टैब नो रिजल्ट्स देखो कौन से नंबर पे पेज नंबर मिलता है एफटीएफ देखो उसे ढूंढना नहीं मुझे सर पेज नंबर क्या स्टेप है हां सर मोस्ट इंपोर्टेंट फाइल इन द डिस्क मैनेजमेंट यूज्ड टू मोंट ऑल द इंफॉर्मेशन पेज नंबर 41 इसी फाइल
कोई भी नया पार्टीशन बनाया इसको माउंट करना पड़ता है, नहीं एंट्री के लिए गेट बनाना पड़ता है। अभी मेरे को ऐसे ऐसा पकड़ के रखो कि ये दीवार बन गई है, रूम में जाने के लिए एक दरवाजा बनाना पड़ता है, तो माउंटिंग पॉइंट है, अंदर जाने का रास्ता क्या है? अब मेरा कोई नया ड्राइव लगाया तो उसको माउंटिंग करना पड़ता है, मीडिया में जाके उसको दरवाजा बनाना पड़ता है जो अंदर जाके अपन काम कर सकते हैं उसमें। तो माउंटिंग पॉइंट इज द डोर टू द फोल्डर, माउंट अ न्यू पार्टीशन। FSF contains great deal of information about file system, such as what is file system, type of a particular partition, it mounts point, its locations on the hard disk, etc. यहाँ पे एक important है FSC के checks of the partition, FSC के यहाँ पे भी use किया हुआ है, तो ये सब आपको एक दो six files होता है। FX tab lines has six files. क्या होता है? कौन कौन सा? File system, फिर माउंट पॉइंट, फाइल सिस्टम टाइप, डिफॉल्ट पैरामीटर्स, डम इंफॉर्मेशन और FSCK। नेक्स्ट निकालेगा सर, देखो पढ़ो जरा, एक बार पढ़ो बस। It has computation for safe work of system hardware at the time of booting. Serial mode proving the stable system as following shape equal to file where value can be stored. It has then Kodju does a safe probe. If no, then Kodju does not normal probe. Does a normal probe. Okay. चैप्टर नंबर 4 का एक ही पूरा पीडीएफ बना दिया था ना, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 है, तीन चैप्टर है यूनिट में, छोटा चैप्टर है, इससे बड़ा तो बड़ा है। ओके सेकंड चैप्टर जाते हैं, अभी सेकंड चैप्टर से जाते हैं। ये चैप्टर बहुत बड़ा था, यूनिटी बहुत बड़ा है। ए टीसीपी आईपी नेटवर्क इज इंटरेस्टिंग है सर। हां चलो, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल क्या होता है बोलो? अभी TCP/IP का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल। व्हाट इज प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? रूल्स, रूल्स क्या होते हैं? बिना रूल्स से क्या चलता है? रूल्स यानी क्या क्या रूल है? यूज्ड टू कम्युनिकेट ऑन नेटवर्क, यूज्ड टू कम्युनिकेट ऑन नेटवर्क, ऑन नेटवर्क, ऑन नेटवर्क, ऑन नेटवर्क। अभी देखो ये पढ़ने के लिए तो इसे समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा। ऐसे रीड कराने में टाइम ज्यादा सर। TCP